सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पैनी खबर और मैं आपके साथ दिया। ईडी को हर बार नजरअंदाज करने के बाद अब सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है सीएम केजरीवाल। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए हामी भर दी है। उन्होंने ईडी से इसके लिए डेट भी मांगी है और बताया है कि वह जांच एजेंसी के सामने ऑनलाइन मोड में हाजिर होंगे और ईडी के सभी सवालों के जवाब देंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये समन गैर कानूनी है, लेकिन बावजूद इसके वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। सीएम ने 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है, जिसके बाद वो ईडी के सामने पेश होंगे। बता दें कि आप सरकार की ओर से सुबह जारी बयान के मुताबिक आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी को जवाब भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये समन गैर कानूनी है, वह इसके बाद भी उनके सामने जवाबों के सवाल देने के लिए पेश होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी से 12 मार्च 2024 के बाद की तारीख मांग रहे हैं। वह इस डेट के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हो जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला कथित तौर पर उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़ा हुआ है। इससे पहले ईडी ने 27 फरवरी को सीएम को 8वां समन जारी किया था और 4 मार्च यानी कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से पेश होने के लिए कहा था। बता दें कि दिल्ली के सीएम को 7वें समन में ईडी के सामने पेश न होने के अगले ही दिन यानी कि एक दिन ही बाद 8वां समन जारी कर दिया गया था। बल्कि इससे पहले भी ईडी के 6वें समन को ठुकराते हुए केजरीवाल 19 फरवरी को पेश नहीं हुए थे। वहीं 31 जनवरी को केजरीवाल को समन जारी किया गया था, जो कि 5वां समन था, जिसमें 2 फरवरी को उन्हें पेश होना था। कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी और ईडी को हर दिन समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। चाहे वे कितना भी दबाव डालना चाहे, हम विपक्षी गठबंध इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।